तो आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए मोहम्मद अली सोसाइटी, और मोहम्मद अली सोसाइटी में एक है शॉप आइडियल के नाम से, जहाँ का जो खटाखट है वो मैं हमेशा खाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता चलूँ कि कैसा होता है इसका टेस्ट। ये जो आज हमने खटाखट का ऑर्डर दिया वो है चिकन खटाखट, बिल्कुल जाना रोटी वोटी इसकी जाना पीस पीस के मसाले वसाले ना वो अभी बनाएंगे, इसमें मक्खन डलता है, सारी चीज़ें क्रीम व्रीम जो भी डलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट। अभी इसके अंदर जो है चिकन आ गई है, और इसको पानी में जो है पूरा जो है साफ करके उबाल के पूरा जो है ना अभी इसको सही वाली स्टीम दे के देन इसके बाद मसाले वसाले, ऐसा ही है, सही कह रहा हूँ मैं। अब ये हमारे शेफ हैं आज जो ये सारी चीज़ें बनाएंगे, इनसे भी पूछेंगे किस तरह डालते हैं क्या करते हैं, ये सब बताएंगे आज। कराची का वैसे जो कराची का मौसम है बहुत अच्छा हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ें खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया था ब्रेन मसाला मैंने खाया था, आज मैंने सोचा यार चिकन को खाते हैं चिकन खटाखट तो मज़ा आएगा, देखते हैं यहाँ पे कैसा है। और मैं सोच रहा हूँ बाहर ही बैठ के खाऊँ क्योंकि थोड़ी एक कराची का मौसम भी हम लोग इन्जॉय कर लेंगे और खाना भी इन्जॉय करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी चिकन जो है साफ हो चुकी है पानी में बॉयल होके, और इसके पीसेस होंगे और इसमें मसाले वसाले सारी चीज़ें होंगे। आप देख सकते हैं अभी सारे मसाले डल रहे हैं टमाटर के ऊपर, अभी इसको फुल जो है इसके पीसेस करके बिल्कुल इसको चूरा कर देंगे अभी ये लोग। आप देख सकते हैं कितनी इसकी जो बोटियाँ कितनी जो है चूरा हो चुकी हैं, इस पर अभी मसाले डल रहे हैं, दही डल चुका है, टमाटर का पूरा इन्होंने जो है इसको चूरा करके पूरा भी बना दिया, इसका टाइड वाला भी सारे मसाले डल रहे हैं। ये आ गई क्रीम,
ये देख सकते हैं अभी ये रेडी हो चुका है हमारा चिकन कटा कट। सो हमारा चिकन कटा कट ऑर्डर जो हुआ था वो आ चुका है। सो चिकन कटा कट हमारा यहाँ पे आ चुका है और देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं ये खाता रहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को एक आपके सामने एक मैं खा के दिखाता हूँ कि इसका किस तरह है दिवाल है इसका पूरा मैं बनाऊँगा अभी आपके सामने। ये देखें ये देखें अब ये मैं टेस्ट करता हूँ। बहुत चटपटा है बहुत मज़े का है इतना लाइक जो कढ़ाई लवर है ना वो अगर चाहें कि बिल्कुल बोनलेस कढ़ाई हो लेकिन वो तवा पे बनी भी हो तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत स्पाइसी है और जो मैं आपको यही बता रहा था जो कढ़ाई खाते हैं ना चिकन कढ़ाई बोनलेस खाते हैं उनके लिए एक डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस ये होगा कि वही चीज़ आपको कटा कट बन के बिल्कुल छोटी चूरा बोटी बन के आपको एक होता है कीमा बना के एक वो आपको जो ना मिलेगा। अब मैं इसको एक रायते के साथ जो है टेस्ट करता हूँ कि रायते के साथ जो है इसका किस तरह का आहार है। ये थोड़ी सी मैंने इसमें जो है देख रहे होंगे आपने मिर्चें भी ली हैं और ये रायता ये देखिए नेक्स्ट लेवल है मज़ा आ गया। सर्दी के मौसम में ना ये आप कराची में रात को बैठ के खाएं और इसके साथ वो गरम गरम चाय जो कि अभी हम पिएंगे बहुत मज़ा आया। तो व्लॉग को अब करते हैं एंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक जगह से चाय पीऊँगा जहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है आलमगीर की और यहाँ की जो क्रीम है मलाई वलाई इसके साथ मिला के ये आ गई मलाई इसके साथ जो इसके ऊपर अभी मैं डालूँगा ये आ गई मेरी दूध पत्ती चाय। अब ये देखिए के साथ जो है ना चाय पीने का मजा ही अलग है। अब मैं पीऊंगा चाय और मैं करता हूँ व्लॉग को एंड।